मारुति सुजुकी सियाज फेसलिफ्ट 2018 लॉन्च हो चुकी है। सियाज पेट्रोल पुरानी सियाज के कंपैरिजन में 34,000 to 36,000 रुपीस ज़्यादा प्राइसेस में लॉन्च की गई है, जबकि इसका ठीक उल्टा मारुति सियाज डीजल पहले के कंपैरिजन में 32,000 to 46,000 रुपीस कम प्राइसेस में लॉन्च की गई है। चलिए देखते हैं कि इस नई सियाज में आपको क्या कुछ नया मिल जाता है पुरानी सियाज के कंपैरिजन में। देखिए, गाड़ी के डायमेंशन में कहीं से भी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। कैबिन में आपको पहले की तरह उतनी ही स्पेस मिलती है, उतनी ही बड़ी 510 लीटर की बूट स्पेस मिलती है। गाड़ी का टर्निंग रेडियस भी पहले की तरह 5.4 मीटर ही है और फ्यूल टैंक भी पहले की तरह 43 लीटर ही है। इस नई सियाज में जो सबसे बड़ा चेंज है वो है इसका नया 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन। पहले आपको इसमें 1.4 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता था जो कम पावर जनरेट करता था। ये इंजन 103.25 BHP की पावर जनरेट करता है 6000 RPM पर और 138 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 4400 RPM पर। ये इंजन ज़्यादा पावरफुल होने के साथ साथ पहले से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी है, क्योंकि इस नई सियाज में डीजल इंजन की तरह पेट्रोल इंजन में भी स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिसके कारण इसकी फ्यूल एफिशिएंसी करीब 1 किलोमीटर बढ़ गई है। अब आपको सियाज पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन में 21.56 KMPL का माइलेज मिलता है, जबकि पहले 20.73 KMPL का मिलता था, और पेट्रोल ऑटोमेटिक में 20.28 KMPL का माइलेज मिलता है, जबकि पहले 19.12 का मिलता था। नो डाउट इसका पेट्रोल इंजन अपनी सेगमेंट की दूसरी गाड़ियां स्पेशली वर्ना और सिटी को टफ कॉम्पिटिशन देने वाला है। डीजल इंजन इसमें आपको वही पुराना मिलता है 1.3 लीटर विद स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। दूसरे बड़े चेंज की बात करते हैं, जो कि एक स्वाभाविक सा चेंज है जो हर कंपनी की नई लॉन्चिंग में आना ही आना है, क्योंकि 2019 से भारत न्यू व्हीकल सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है, जिसके कारण ये चेंजेस आएंगे। इस नई सियाज के सेफ्टी फीचर्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि इसमें आपको अब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयरबैग्स और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिल जाया करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा इसमें आपको स्पीड अलर्ट सिस्टम मिलेगा, जो कि कुछ इस तरीके से काम करेगा, अगर आप अपनी सियाज को 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ऊपर ले जाएंगे तो हर एक मिनट बाद दो बार बीप किया करेगा, और अगर आप 120 की स्पीड से ऊपर ले जाते हैं तो रेगुलरली बीप करना शुरू कर देगा। क्योंकि इंडिया में जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उनका सबसे बड़ा कारण होता है ओवर स्पीडिंग, गाड़ी तेज चलाना, इसलिए गवर्नमेंट ने इस फीचर को स्टैंडर्ड कर दिया है। हर नई लॉन्चिंग में ये फीचर आना ही आना है। इसके अलावा इस गाड़ी में सीट बेल्ट रिमाइंडर भी दिया गया है। तीसरे बड़े चेंज की बात करते हैं तो वो है इस गाड़ी के फ्रंट लुक्स। ये नई सियाज पहले के कंपैरिजन में थोड़ी ब्रॉड लगती है। फ्रंट में दी हुई क्रोम ग्रिल्स को चेंज कर दिया गया है, साथ ही में इसके हेडलैम्प्स में काफ़ी चेंज किए गए हैं। अब आपको इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं और साथ ही में डे टाइम रनिंग लाइट्स भी मिल जाती हैं। इसके अलावा मारुति की ये ऐसी पहली गाड़ी है जिसमें फ्रंट में LED फॉग लैंप्स दिए हुए हैं। इसके अलावा फ्रंट और रियर बम्पर की डिज़ाइन में भी थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। चौथे चेंज की बात करते हैं तो वो है इस गाड़ी के रियर लुक्स। रीडिजाइंड रियर बम्पर के अलावा नए LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं, जो देखने में काफ़ी प्रीमियम फील दे रहे हैं। इसके अलावा इसके साइड लुक्स की बात करते हैं तो कोई भी चेंज नहीं किया गया है, हालांकि इसके एलॉय व्हील्स में थोड़े बहुत चेंजेस जरूर कर दिए गए हैं। चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं, आपको पहली नज़र में कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि काफ़ी मिनिमल चेंजेस इसमें किए गए हैं, जैसे कि डैशबोर्ड और डोर्स पर वुडन टच मिल जाता है, जो देखने में थोड़ा प्रीमियम लगता है। इसके अलावा इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में चेंजेस किए गए हैं। सिर्फ सियाज पेट्रोल में 4.2 इंच इंफॉर्मेशन डिस्प्ले मिल जाता है। इसके अलावा फीचर्स की बात करते हैं तो क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट जैसे फीचर्स आपको ज़्यादा मिल जाते हैं इस नई सियाज में पुरानी सियाज के कंपैरिजन में। तो चलिए, यही कुछ चेंजेस हैं जो आपको इस नई सियाज में देखने को मिल जाते हैं। वैसे तो देखा जाए तो मेनली चेंजेस सियाज पेट्रोल वेरिएंट्स में किए गए हैं। आपको नया इंजन मिल जाता है जो ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। पेट्रोल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में भी चेंजेस पेट्रोल वेरिएंट्स में ही किए गए हैं। हाँ, इसके डीजल वेरिएंट्स में जो एक मेजर चेंज किया गया है वो है इसके प्राइसेस, जिनको उल्टा कम कर दिया गया है, तो ये चीज़ ज़रूर अट्रैक्ट करेगी बायर्स को। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।